हाय, दिस इज़ मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और जॉब की अपडेट, जो कि डिफेंस सेक्टर की तरफ से होने वाला है और डायरेक्ट निकल के आ रही है CISF की तरफ से कॉन्स्टेबल फायरमैन की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। सबसे पहले जानते हैं कि वॉट इज CISF। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल में आपकी ये भर्ती रहने वाली है। फायरमैन कांस्टेबल जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, और इसके लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो हम लोग इसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं, क्या सीट आया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना, एग्जाम सिलेबस वगैरह देखना चाहते हो, तो सारी चीज़ें अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो जाइए वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए टोटल सीट है 1130 यानी 1130, पोस्ट है कांस्टेबल फायरमैन के लिए, ठीक है। तो हम लोग आगे इसका डिटेल तो देखेंगे, लेकिन देख लेते हैं पहले कि आपका जो वैकेंसी है उसको कैटेगरी वाइज कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल के लिए 466 यानी 466 पोस्ट रहेंगे, ओबीसी के लिए 236 यानी 236, EWS के लिए 114 यानी 114 पोस्ट EWS वालों के लिए है, SC कैटेगरी के लिए 153 यानी 153, ST के लिए 161 यानी 161 रहेगा। एंड ओवरऑल पोस्ट की बात करें ना, तो टोटल 1130 यानी 1130 रहेगा। तो इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने की तिथि क्या रहेगी, देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा 31st ऑफ अगस्त से, यानी 31 अगस्त, अभी से 3-4 दिन बाद आपका फॉर्म ये ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। आज 27 है, आज से 4 दिन के बाद। और लास्ट डेट है, आपको एक महीने का समय दिया गया है, 30 सितंबर, यानी कि 30 तारीख तक अगले महीने में आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। लेकिन 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 अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 30 सितंबर तक इंतजार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे, तो बाद में जो आपको दिक्कतें आती है, सर्वर इशू वगैरह, वो फेस नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्म की फी क्या रहेगी। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज़ यानी 100 रुपया लिया जा रहा है, और SC ST साथ ही साथ जो एक सर्विस मैन है उनसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, फॉर्म की फ़ी भी ज़्यादा आपसे रिक्वायर नहीं की गई है, बहुत ही कम फी में, और कुछ लोगों को तो फी भी नहीं लगेगा। यहाँ पर देखते हैं कि एज की लिमिट क्या होगी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है एज के लिए कि कट ऑफ डेट क्या रहेगा। तो एज ऑन 30th ऑफ सितंबर 2024 यानी कि 30 सितंबर 2024, जो कि हमारा फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, उसके अकॉर्डिंग आपके एज की गणना होगी। 18 to 23 यानी कि 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र सीमा होगी। और हाँ, रिलैक्सेशन भी मिलता है, OBC को 3 ईयर्स यानी कि 3 वर्ष का, और SC ST को 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष का। तो ये सारी डिटेल्स तो हमने समझ ली, जो कि बेसिक डिटेल्स थे। अब इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है, वो क्या है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि आपसे क्या रिक्वायर किया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देख लीजिए यहाँ पर 10+2 यानी जिन्होंने भी इंटर पास कर रखा है साइंस सब्जेक्ट लेके। देखिए फ्रेंड्स, आपका PCB भी हो सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी हो सकता है, बायो भी हो सकता है। तो जो साइंस वाले बच्चे हैं ना, 10+2 इंटर में साइंस स्ट्रीम वाले, वो अप्लाई करेंगे। आई रिपीट कि साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे अप्लाई करेंगे जिन्होंने 10+2 में साइंस लिया था। एंड डजंट मैटर कि आपका परसेंटेज क्या है 12th में, आपने पास कर रखा है साइंस स्ट्रीम से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो सारी बेसिक डिटेल्स आपके यहाँ पर हो गई क्लियर। अब जानेंगे कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से पास आउट होने के बाद यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। सो फ्रेंड्स, यू हैव टू क्लियर दिस 4 स्टेजेस। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द फिजिकल,
डिफेंस का जॉब है CISF में, सबसे पहले फिजिकल होगा जिसमें आपका PET और PST दोनों होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दोनों होगा। देन आफ्टर आपका ऑनलाइन CBT होता है, सॉरी उसके बाद आपका क्या होता है ना, सेकेंड स्टेज पर, पहले स्टेज पर तो फिजिकल हो गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाती है। जैसा कि आपको पता होगा बाकी जो एग्जाम्स आते हैं उसमें पहले एग्जाम होता है, फिर फिजिकल होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोसेस अलग रहेगा। फिजिकल निकालिए तब आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी, देन आफ्टर आपका रिटन एग्जाम यानी ऑनलाइन CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लास्टली मेडिकल होगा आपका, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो चलिए हम लोग ज्वाइनिंग लेटर तक के सारी प्रोसेस मीन्स की सिलेक्शन प्रोसेस को इन डिटेल अच्छे से समझ लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल, अब होगा फिजिकल सबसे पहले, तो पहले फिजिकल ही आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर हाइट की जो नाप होती है ना, सबसे पहले तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ही होता है, कहीं पर भी फिजिकल होता है ना, आपके शारीरिक मापदंड को पहले पूरा किया जाता है। तो उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सबसे पहले तो आपका हाइट देखा जाता है, हाइट है आपका जनरली 170 यानी 170 सेंटीमीटर, तो ये तो आपका जनरल OBC EWS के लिए हो गया। ST के जो कैंडिडेट होंगे, सॉरी फ्रेंड्स ये SC वालों के लिए भी रहेगा, जनरल OBC EWS और SC जो भी है 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, लेकिन जो ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर्स। वहीं पर जो हिली एरिया यानी पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट हो गए, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हो गए, तो उनसे यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है, 165 यानी 165 सेंटीमीटर उनका हाइट मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट आपका मेजर किया जाता है 80 to 85, मतलब 80 से 85 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ, 5 सेंटीमीटर का तो एक्सपेंशन होना चाहिए, मिनिमम आपका चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई होप कि ये पोर्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब तो ये तो आपका क्या था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब फिजिकल में तो दो चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट भी होता है, उसमें आपके शरीर की क्षमता देखी जाती है, शारीरिक क्षमता का मापन होता है। तो फ्रेंड्स देखिए उसके लिए क्या कराया जाता है, आपसे रनिंग कराई जाती है, यानी दौड़ होता है 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की, इसको कितने मिनट में कंप्लीट करना होता है, 24 यानी 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर की दौड़ खत्म करनी होती है। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें आप क्वालिफाई करोगे तो DV होगा, उसके बाद क्या होगा आपका एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे फॉर 100 मार्क्स, मतलब पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा, 100 प्रश्न 100 नंबर के लिए। समय जो हो गया ना 2 आवर्स यानी 2 घंटे का है, एंड देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग। तो अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में अगर आपको आंसर में डाउट लग रहा है तो आप उसको टिक करके आ जाइए। हाँ वो उसको आपने गलत टिक किया तो उसका मार्क तो नहीं मिलता है, लेकिन जो आपने सही किया है टिक उसका आपको मिलेगा, और गलत के वजह से सही का नंबर नहीं डिडक्ट होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग के 25 यानी 25 प्रश्न आपको रीजनिंग के सब्जेक्ट से हो जाएगा, GK एंड GA यानी कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, सिंपली समझिए GK GS करेंट अफेयर्स सबको कंबाइन करके 25 क्वेश्चंस फॉर 25 मार्क्स, मतलब 25 प्रश्न GK GS एंड करेंट अफेयर्स से रहेंगे। उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, मतलब गणित से भी आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा। लास्टली इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट, मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश वीक होता है, बहुत सारे बच्चों का हिंदी वीक होता है, तो अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप इंग्लिश से रिलेटेड 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और अगर हिंदी स्ट्रांग है तो हिंदी से रिलेटेड 25 प्रश्न आप सॉल्व करोगे। ठीक है, दोनों नहीं पूछा जाएगा, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट का आंसर करना है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न ओवरऑल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद बेसिक सा आपका एक मेडिकल होता है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे भेजी जाएगी, तो आपको वहाँ पर जाके रिपोर्ट करना होगा, उसके बाद ऑन जॉब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आपकी सैलरी क्या होती है, तो ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। स्टार्टिंग सैलरी यहाँ पर, मतलब जो नोटिफिकेशन में लिखा गया 21,700 से शुरुआत है, बाद में इंक्रीज करके आपकी सैलरी 69,100
700 यानी 70,000 के अप्रॉक्स होगी। बट देखिए फ्रेंड्स, जो आपका सैलरी होता है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में ही आपको सैलरी 35,000 से 40,000 तो मिनिमम दिया ही जाएगा, और बाद में बढ़ा के जैसे नोटिफिकेशन में 70,000 दिया तो और भी ज़्यादा मिलेंगे, 90,000 के अप्रॉक्स सैलरी बढ़ते बढ़ते आपकी बाद में हो जाएगी। सो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे और इसका बेनिफिट उठाने के लिए अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट कर लेंगे। तो मैंने इससे रिलेटेड सारी जानकारी बताई है, कुछ एक पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जैसा कि आप इसका नोटिफिकेशन ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पर मैंने जो ये कैटेगरी वाइज बताई है, तो मैंने ओवरऑल इंडिया के लिए बताया किस कैटेगरी का कितना सीट है, लेकिन आप देखोगे वहाँ पर तो स्टेट वाइज भी वैकेंसी आई किस स्टेट के लिए कितना है। तो इसमें ऐसा कोई डिमांड नहीं है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं का आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ऑल इंडिया में देख लो आप किस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी का आप देखो कि जनरल का कितना सीट है किस स्टेट में। अगर आप EWS हो तो वो देखो कि EWS का किस स्टेट में कितना सीट है। तो आपकी वैकेंसी स्टेट वाइज है, स्टेट का अलग अलग है, और यहाँ पर पॉसिबल नहीं था सारे स्टेट का डाटा आपको बताना, तो वो चीज़ आप नोटिफिकेशन देख के क्लियर कर लेना। सेकेंड थिंग ये है, हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल, महिला कैंडिडेट या पुरुष कैंडिडेट। तो ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है, फीमेल अप्लाई नहीं करेंगी इसके लिए। लास्टली फॉर एग्जाम सेंटर्स, अब वैकेंसी चूंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, जैसा कि मैंने बता ही दिया कि स्टेट वाइज भर्ती रहेगी, लेकिन एग्जाम का सेंटर कहाँ होगा, आप किस स्टेट के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो कहाँ पे सेंटर देगा, ये कोई इशू नहीं है। आपको ना वहाँ पर चॉइस फिलिंग होता है कि आप किस स्टेट के लिए, आप किस नियर बाई सिटी के लिए आप एग्जाम सेंटर आप फिल करोगे, उसी अकॉर्डिंग आपको CISF की तरफ से सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, और ये चांसेस एकदम 100% रहेंगे कि नियर बाई सिटी में ही आपको जो 3 रहेगा ना वहाँ पर आपको सेंटर देगा, तीनों में से किसी एक में। सो आई होप कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी कुछ डाउट है तो कोई डाउट नहीं रखना है, हेजिटेट नहीं करना है, कमेंट करना है और क्वेरी को सॉल्व कर लेना है। अदरवाइज वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।